गुड मॉर्निंग बच्चों, इस समय जो हमारा चैप्टर चल रहा है वो चैप्टर चल रहा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का। और बच्चों ये मेरा इसका पांचवा और आखिरी वीडियो है। बच्चों आज के वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगा स्पेक्ट्रम ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में। बच्चों ये पूरी एक फैमिली होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में, इसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स थी, क्या रेंज होती है, क्या सारी डिटेल दी है वो मैं आपको बताऊंगा। हर एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की अलग अलग क्वालिटी होती है, अलग अलग उनका जो है ओरिजिनेशन होता है और अलग अलग जगह वो यूज की जाती है। इसकी हर एक बात को आप ध्यान से सुनिएगा और नोट करिएगा, क्योंकि इस टॉपिक पे हमारे एमसीक्यूज वाले क्वेश्चन सबसे ज्यादा बनते हैं, चाहे वो हमारे ट्वेल्थ के एग्जाम में आए, चाहे नीट में आए, चाहे आईआईटी में आए। ठीक है बच्चों, तो इसको आप बहुत ध्यान से देखिएगा और नोट्स जरूर बना लीजिएगा, ये नोट्स आपके काम आएंगे। बच्चों जैसा कि आप जानते हैं कि मेरे को एक चैनल मेरी बेटी वंशिका अग्रवाल ने बना करके दिया है, जिसका नाम इसे रखा है मेरे पिताश्री की पाठशाला। और इस पाठशाला में मैं आपको पढ़ा रहा हूँ फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ। तो बच्चों चलिए मैं आज का टॉपिक स्पेक्ट्रम ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स स्टार्ट करता हूँ। तो आज मेरे यूट्यूब चैनल मेरे पिताश्री की पाठशाला पे मेरे पापा आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में आगे बताएंगे। तो मैं पीछे आती हूँ, मेरे पापा आपको पढ़ाएंगे। तो बच्चों आज का टॉपिक है हमारा स्पेक्ट्रम ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एंड प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ठीक है बच्चों, तो हेडिंग डालिए स्पेक्ट्रम ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ठीक है बच्चों, ये है बच्चों, इसमें मैं सबसे पहले आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का स्पेक्ट्रम क्या होता है वो बताऊंगा, फिर उसके बाद जो है उसको किस तरीके से याद रखना है वो बताऊंगा। इसको याद करना बहुत जरूरी होता है। और बच्चों फिर इसमें जो है आते हैं न्यूमेरिकल्स। ठीक है, न्यूमेरिकल्स होते हैं थ्योरेटिकल। ठीक है, न्यूमेरिकल्स वो सॉल्व करना बताऊंगा, और अगर आपने मेरी बात पकड़ ली तो आप स्पेक्ट्रम से रिलेटेड हर तरीके का न्यूमेरिकल सॉल्व कर लोगे। ठीक है, और बच्चों सबसे लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि जो है हमारा जो है प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हमारी क्या होती है। ठीक है बच्चों, जो हमारे जो जितने भी तरीके के एग्जाम होते हैं इंडिया में, चाहे वो किसी भी चीज के हो जिसमें हमारी फिजिक्स आती है अच्छे लेवल की, उसमें बच्चों इस टॉपिक से इससे जो है कोई भी क्वेश्चन घुमा करके कैसे भी पूछा जा सकता है, लेकिन आप इसको बहुत ही आराम से कर लोगे ये वीडियो पूरा देखने के बाद। ठीक है, चलिए अब बच्चों बात कर रहे हैं स्पेक्ट्रम। ठीक है बच्चों, तो देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो होती है उनकी जितनी भी प्रॉपर्टीज होती है, कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, इक्वेशन होती है, वो सब मैंने खत्म कर दी, और वो हर तरीके के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पे जो है हमारी अप्लाई होती है। तो बच्चों स्पेक्ट्रम क्या चीज है, स्पेक्ट्रम को आप सिंपल भाषा में समझिए फैमिली। ठीक है, इसको आप सिंपल भाषा में समझिए फैमिली। ठीक है, फैमिली ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हम इसको कह सकते हैं, इसको इसका सिनोनिम समझिए। वेव्स के फैमिली को, खासतौर से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की फैमिली को हम स्पेक्ट्रम कहते हैं, जिसमें हमारे सब लोग आ जाते हैं। सब लोग का मतलब है सारी तरीके की वेव्स आ जाती है जो अब तक डिस्कवर की गई है। ठीक है, और जो हमारे सिलेबस में है वो भी मैं आपको बता देता हूं। अब देखिए क्या होता है इसमें। ठीक है, जैसे हमारी फैमिली होती है, तो देखिए फैमिली में देखिए हमारी फैमिली कैसे कंप्लीट होती है, क्या होता है। देखिए ओल्ड पर्सन होते हैं जिनको हम सीनियर सिटीजन कहते हैं। ठीक है, ओल्ड पर्सन होते हैं जिनको हम सीनियर सिटीजन कह सकते हैं। और बच्चों देखिए उसके बाद क्या होता है, हमारे जो है यंग लोग होते हैं। ठीक है, यंग होते हैं और चिल्ड्रंस होते हैं। ठीक है, ये बच्चों हमारी होती है फैमिली। अब बच्चों को स्पेसिफिक हम नहीं कह सकते कि ओल्ड का मतलब इतने इयर्स का होगा, यंग का मतलब इतने इयर्स का होगा, और चिल्ड्रन का मतलब होता इतना होगा। इसकी एक रेंज बनती है, चाइल्ड हमारा कितना होगा, 1 ईयर से लेकर के सपोज के लिए 16 ईयर्स तक, वो बच्चों में ही कंसीडर होता है। उसी तरीके से बच्चों यंग भी हमारा हो गया 16+ से लेकर के 30-35 तक यंग में आएगा, और बच्चों फिर उसके बाद जो है 60 से लेकर के 80 तक यदि कोई है हमारे परिवार में, तो बच्चों हमारा ओल्ड में वो अपने आप ही आता है। ठीक है, हम यहां से यहां तक पूरी लाइफ की जर्नी तय करते हैं। सिमिलरली यहां पर होता है। ठीक है, सिमिलरली यहां पे होता है। यहां देखिए हमने किस चीज से कंसीडर किया, कंसीडर बच्चों यहां पर हमने किया एज से। ठीक है, ये हमारा जो है एज से कंसीडर हो रहा है,
और हर एक एज की अपनी एक खासियत है, अपनी एक कैरेक्टरिस्टिक्स है। जैसे बच्चे हैं तो पढ़ेंगे, लड़ेंगे, टॉफी चॉकलेट आइसक्रीम मांगेंगे, बड़े हैं तो काम करेंगे, ऑफिस जाएंगे, अपना बिजनेस संभालेंगे, पैसा लाएंगे और साथ में जो है और भी काम होंगे इनके, ठीक है। ओल्ड है तो जाहिर सी बात है भजन करेंगे, कीर्तन करेंगे, बीमार पड़ेंगे और घर में जो है बच्चे हैं उनको खिलाएंगे पिलाएंगे, ये सब चीजें होती है। ये एज के हिसाब से इनके कैरेक्टरिस्टिक्स अपने आप बदलते जाते हैं। अब बच्चों ऐसी ही फैमिली हमारी होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की, और बच्चों हम उसको कहते हैं जो है स्पेक्ट्रम। अब देखिए स्पेक्ट्रम की हम फैमिली हम आपके सामने रख रहे हैं और बच्चों इसको आपको याद रखना पड़ेगा अगर आपको सक्सेसफुली जो है देना है एग्जाम। तो देखिए बच्चों मैं आपके सामने एक जो है गाड़ी का नाम लिखता हूं। आप लोग गाड़ियों का बहुत शौक रखते हो, हम तो बैलगाड़ी से ही चले जिंदगी भर। XUV है ना, एक गाड़ी आती है काफी फेमस है। और देखिए फिर उसके बाद क्या हुआ, XUV के बाद आप इसको ऐसे कहियो आई, ठीक है, आई एम राइड इन XUV, ठीक है। मतलब आप इसको करिए, आप एक सेंटेंस बना लीजिए, आई एम राइड इन, बीच में डाल लीजिए इन XUV, इस तरीके से आप इसको कर लीजिए याद। अब देखिए पूरी स्पेक्ट्रम मैं आपको इसी लाइन में दिखा देता हूं, ठीक है, इसको याद रखिए। और अब देखिए जो बात मैं लिखने जा रहा हूं जरा इस तरीके से लिखना है इसको, ठीक है। सबसे पहले आप लिखेंगे एक्स, फिर लिखेंगे यू, फिर लिखेंगे वी, ऐसे लिख लिया, और फिर देखिए आई एम और राइट, इस तरीके से लिख लीजिए। बच्चों क्या है कि मैं जो हूं XUV में राइड कर रहा हूं, ड्राइव कर रहा हूं, कुछ भी कह लीजिए। और बच्चों हमारे सबसे ऊपर है कौन है, सबसे ऊपर वो है गॉड, ठीक है। हमारे सबसे ऊपर कौन है, गॉड, तो गॉड को जो है आप सबसे ऊपर जो है दे दीजिए स्थान। अब देखिए अब आप क्या करेंगे, अब ये आपका पूरा स्पेक्ट्रम जो है एक सेकंड में तैयार हो गया, जिसको आपको याद रखना है, जिसके ऊपर आपके आएंगे न्यूमेरिकल्स, ठीक है, और तमाम तरीके के कंसेप्चुअल क्वेश्चन आएंगे। बच्चों सीधे मैं लिखता जाता हूं, देखते जाइएगा। देखिए आर का मतलब है रेडियो वेव, ठीक है, आर का मतलब है रेडियो, इधर ही से चलिएगा, ठीक है। एम का मतलब है माइक्रोवेव, ठीक है, आई का मतलब है इंफ्रा, ठीक है, इंफ्रा रेड वेव, ठीक है। और ये हमारा होता है, इसको थोड़ा सा हम एक बॉक्स में बंद करेंगे और इसको हम यहां पे लिखेंगे विजिबल रेंज, इसको आप ऐसे लिख लीजिए विजिबल रेंज, ठीक है। और ये देखिए हमारा क्या है, यू है अल्ट्रा वायलेट, ठीक है, रेज, अल्ट्रा वायलेट रेज। और बच्चों ये बड़ा फेमस है एक्स रेज, ठीक है। और बच्चों ये हमारा आता है गामा रेज, खत्म, फिनिश, ठीक है। ये बच्चों हमारी जो है सीक्वेंस है, ऐसे देखिएगा, नीचे चलिएगा, रेडियो, माइक्रो, इंफ्रारेड, विजिबल, अल्ट्रा वायलेट, एक्स रेज, गामा रेज, इसको कैसे याद रखते हैं ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है। बच्चों इसमें बच्चों जो है, जैसे मैंने अभी आपको बताया फैमिली के बारे में, तो फैमिली में क्या होता है कि हम एज से जो है कैरेक्टरिस्टिक्स हमारी अपने आप डिफाइन होती चली जाती है। यहां पर बच्चों जिस चीज से डिफाइन होती है हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स, वो होती है दो चीज, एक होता है वेवलेंथ ऑफ वेव और दूसरा होता है हमारा फ्रेक्वेंसी ऑफ वेव। इसको नोट कर लीजिए, वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी से हमारा जो है कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वेव का पता लग जाता है कि कौन सा वेव जो है क्या कैरेक्टरिस्टिक्स रहता है, क्या उसकी प्रॉपर्टीज होती है और बच्चों किस चीज के लिए यूज होता है, उसको बताने के लिए हमारा वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी होती है। अब वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी के बारे में मैं आपको एक बात बताता हूं, इसको ध्यान रखिएगा, आपको बहुत हेल्प मिलेगी क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। देखिए क्या होता है, अगर किसी वेव की वेवलेंथ ज्यादा है, ठीक है, इस चीज को नोट कर लीजिए, वेवलेंथ क्या है, ज्यादा है, मोर है, ठीक है, समझ करें, तो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, बहुत कम होगी, ठीक है, फ्रीक्वेंसी क्या होगी, छोटी होगी, लेस होगी, अगर ये ज्यादा है तो वो छोटी होगी। दूसरी बात है, दूसरी बात आप सेकंड बात नोट करिए, पहली बात हुई
कि अगर किसी वेव की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की वेव लेंथ हमारी क्या है वो लेस है, छोटी है, कम है, तो उसकी फ्रिक्वेंसी जो है वो ज्यादा होगी। इस चीज को आप नोट कर लीजिए कि फ्रिक्वेंसी जो है ज्यादा होगी, ये बात आप नोट करिए सही से। ये क्यों होता है वो मैं आपको बता दूं। देखिए हमारे पास वेव में एक फॉर्मूला है वी इक्वल टू एन लैम्डा, जहां पर वी क्या है वेलोसिटी ऑफ वेव, ठीक है वेलोसिटी ऑफ वेव है, ठीक है एन क्या होता है वो होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव, ठीक है फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव। और बच्चों लैम्डा क्या होता है, लैम्डा होता है वेव लेंथ ऑफ वेव, ये बात आप जानते हो लेकिन इसका यूज करना मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है ये फॉर्मूला होता है। अब बच्चों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में जो वेलोसिटी होती है ठीक है वो बच्चों हमारी क्या होती है सी, यानी कि स्पीड ऑफ लाइट, सिंपल सी बात है स्पीड ऑफ लाइट जो है ये हमारी होती है। अब देखिए स्पीड ऑफ लाइट हमारी जो है यहां पे लिखेंगे तो सी इक्वल टू एन लैम्डा हो जाएगा, देख लीजिए यहां पर। अब बच्चों यदि ये हमारा फिक्स है, ये हमारा फिक्स है 3 × 10⁸ और एन लैम्डा एक है। अब यदि लैम्डा हमारा कम है, यदि हमारी फ्रिक्वेंसी निकालना है तो फ्रिक्वेंसी हो जाएगा 3 × 10⁸ डिवाइडेड बाई लैम्डा आ गया। अब देखिए इस रिलेशनशिप से हमको एक बात ये पता लग जा रही है, अगर हमारा जो है वेवलेंथ यानी लैम्डा कम होगा तो ये अपने आप ज्यादा हो जाएगा, और ये ज्यादा होगा तो ये अपने आप कम हो जाएगा। तो बच्चों इस चीज को जो है अप्लाई करने से जो है ये आता है कि जब वेवलेंथ हमारी ज्यादा है तो फ्रिक्वेंसी हमारी कम हो जाएगी, जब वेवलेंथ हमारी कम है तो फ्रिक्वेंसी हमारी ज्यादा हो जाएगी। इस चीज को देख लीजिए, ठीक है बच्चों इस चीज को आप देख लीजिए, इस चीज को ध्यान रखिएगा जब आप एग्जामिनेशन में इसके न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे या कोई भी कंसेप्चुअल क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो बच्चों आपको ये हेल्प करेगा। अब बच्चों देखिए हर बुक में ऐसे ही लिखा हुआ है, और बच्चों एक लाइन इधर ऐसे खींची हुई है, इसको देख लीजिए, और एक लाइन इसके इधर ऐसे खींची हुई है, ठीक यहां पर इस तरीके से देख लीजिए बच्चों। इस लाइन के ऊपर देखिए लिखा होगा आपका फ्रिक्वेंसी, ठीक है यहां पर लिखा होगा फ्रिक्वेंसी, और यहां पर जो लिखा होगा वो लिखा होगा वेव लेंथ, ठीक है इस तरीके से चलते जाइए, ठीक है। और बच्चों यहां से जो है हमारी कहानी स्टार्ट होती है, ठीक देखिए क्या होता है कि नीचे वेव लेंथ हमारी ज्यादा होती है, रेडियो से स्टार्ट करेंगे, जब कभी भी आप स्टार्ट करेंगे रेडियो से, नीचे वेव लेंथ हमारी ज्यादा होगी, फिर जो है उससे कम होगी, फिर 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 सबसे कम होगी। गामा रेज की जो है वेवलेंथ सबसे कम होती है, फ्रीक्वेंसी इसकी सबसे ज्यादा होती है। रेडियो वेव की जो है वेवलेंथ जो है सबसे ज्यादा होती है, फ्रीक्वेंसी इसकी जो है कम होती है। इस चीज से जो है आप इसको नोट कर लीजिए। इसकी जो है स्टार्ट होती है, जो हमारा रेंज स्टार्ट होता है वो किस तरीके से, देखिए हम जो है क्या करते हैं जहां पर भी जो है स्पेक्ट्रम पढ़ेंगे या इनके बारे में पढ़ेंगे तो एक चीज हम पढ़ेंगे कि हमेशा वेवलेंथ से जो है दिया होगा। फ्रीक्वेंसी का यूज जो है न्यूमेरिकल्स में या क्वेश्चंस में कम होता है, वेवलेंथ का यूज हमारा ज्यादा होता है, ठीक है बच्चों। तो देखिए हम क्या करते हैं, हम जो है यहां से स्टार्ट करेंगे और मैं आपको बताता जा रहा हूं कि यहां पर हमारी कितनी कितनी वेवलेंथ यहां पर जो है वो होती है, ठीक। तो बच्चों ये देखिए ये हमारा जो है वेवलेंथ है और ये है हमारी फ्रीक्वेंसी, किसकी, रेडियो माइक्रो इंफ्रारेड विजिबल अल्ट्रावायलेट एक्सरे एंड गामा रे की। इसको पूरी तरीके से आप जो है नोट कर लीजिए। देखिए रेडियो वेव की जो वेवलेंथ होती है वो सबसे ज्यादा होती है, इस चीज को देख लीजिए। फिर उसके बाद जो माइक्रोवेव की होती है, रेडियो वेव की होती है 0.1 मीटर to 600 मीटर, और भी ज्यादा होती है, ठीक है 600 मीटर तक आप याद रखिए। उसके बाद देखिए होती है माइक्रोवेव की वेवलेंथ होती है 0.1 मीटर to 10⁻³ मीटर, मतलब क्या हुआ 1 mm तक जाती है ये। फिर बच्चों इंफ्रारेड की जो वेवलेंथ होती है वो 10⁻³ मीटर से लेकर के 400 नैनोमीटर तक होती है। 400 नैनोमीटर का मतलब होता है 400 × 10⁻⁹ मीटर, इस तरीके से आप समझ लीजिए। ये देखिए हमारी कम होती जा रही है। फिर आती विजिबल रेंज, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रेंज होती है हमारे विजिबल रेंज। विजिबल रेंज में हमारी जो वेवलेंथ होती है वो 400 नैनोमीटर से लेकर के 700 नैनोमीटर तक होती है। फिर उसके बाद में जो अल्ट्रा वायलेट रेंज आती है उसकी वेवलेंथ होती है 1 नैनोमीटर से लेकर के 400 नैनोमीटर तक।
और बच्चों इसके बाद आता है एक्सरेज। एक्सरे की जो वेवलेंथ होती है वो 10^-9 मीटर से 10^-12 मीटर तक होती है, और सबसे कम होती है बच्चों गामा रेज की, वो होती है बच्चों 10^-12 मीटर से लेकर के 10^-14 मीटर तक। ठीक है बच्चों, और इसी के करेस्पॉन्डिंग हमारा जो है इसकी फ्रीक्वेंसी आती है। अब देखिए ये कम है हमारा, ठीक है, क्या है वेवलेंथ हमारी ज्यादा है तो फ्रीक्वेंसी हमारी जो है कम होगी करेस्पॉन्डिंग, ठीक है, जो आई वो ये आई इस तरीके से यही। अब देखिए धीरे धीरे जैसे इधर हमारी वेवलेंथ जो है कम होती जा रही है और इधर देखिए फ्रीक्वेंसी हमारी बढ़ती चली जा रही है, इसका एक फ्रीक्वेंसी का और हमारा वेवलेंथ का और ये पूरी सीक्वेंस का हमको एक जनरल आइडिया होना चाहिए, तब हमको मिलती है हेल्प किस चीज में, इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, मैं हट जाता हूं सामने से, आप क्या करिए इसको पूरी तरीके से नोट कर लीजिए। वैसे आपके पास जो भी बुक है, चाहे वो किसी भी पब्लिकेशन की हो, किसी भी कोचिंग की हो, उसमें ये सब चीज हमको दे रखी है, ठीक है, तो आप इसको नोट कर लीजिए। अब बच्चों आते हैं विजिबल रेंज पे। विजिबल रेंज पे क्या है, हमारे पास है 400 नैनोमीटर से लेकर के 700 नैनोमीटर तक का इसका जो है वो चलता है, क्या चलता है इसका जो है वेवलेंथ की रेंज। अब बच्चों ये हमारे लिए हेल्पफुल है और देखिए किस तरीके से ये रेंज हमारे लिए हेल्पफुल है मैं आपको बता रहा हूं, और आगे अभी आप पढ़ोगे रे ऑप्टिक्स और उसमें आएगा एक प्रिज्म, ठीक है। प्रिज्म में क्या होता है कि हमको जो है कलर्स मिलते हैं, व्हाइट कलर से 7 कलर्स मिलते हैं, आप लोग हाई स्कूल से या 8 से पढ़ते आ रहे हो विजुअल, तो बच्चों यहां पर हमको 7 कलर्स मिलते हैं, ठीक है। सबसे पहले होता है हमारा वायलेट, विजिबल होता है जो हमको दिखता है, देखिए ये वाली रे, 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 इसमें से कोई भी रे हमको दिखाई नहीं देती, लेकिन विजिबल रेंज होती है जिसमें हमको जो है रे दिखाई देती है, हम उसको देख सकते हैं, हम रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, और वो बच्चों आती है हमारी 400 नैनोमीटर से लेकर के जो है, तो सबसे पहले आता है वायलेट, ठीक है, और बच्चों फिर इसके बाद देखिए वायलेट के बाद हमारा निकल के आता है जैसे वो आता है इस तरीके से, हम बना दे रहे हैं इसको, ठीक है। देखिए विजिबल रेंज में क्या आता है, विजिबल रेंज में हमारे 7 कलर आते हैं, ठीक है, विजिबल रेंज में हमारे 7 कलर आते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, ठीक है। वायलेट आता है, फिर आता है इंडिगो, ठीक है, इंडिगो, और फिर आता है ब्लू, ब्लू के बाद आता है ग्रीन, ठीक है, ग्रीन के बाद आता है येलो, ठीक है, फिर आता है हमारा ऑरेंज, ठीक है, और फिर आता है रेड। आपको पता भी हो विबग्योर के नाम से इसको जानते हैं, ऐसे विबग्योर आप आराम से लिख सकते हो। बच्चों इसका जो है हमको याद रखना पड़ता है वेवलेंथ, तो वेवलेंथ देखिए ऐसे याद रखते हैं, ये देखिए 400 नैनोमीटर होता है, वायलेट वाला जो होता है वो 400 नैनोमीटर होता है, और बच्चों इसमें 50-50 आप जोड़ते जाइए, 450 नैनोमीटर, ब्लू वाला हो गया 500, ठीक है 500 नैनोमीटर, ये हो गया 550 नैनोमीटर, ये हो गया बच्चों 600 नैनोमीटर, और बच्चों ये हो गया 650 नैनोमीटर, और ये लास्ट में हो गया 700 नैनोमीटर। इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हो बच्चों, ये बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं है, यहीं पर आकर के इससे इधर उधर हमारा गिरता रहता है, लेकिन हमको जो है इसके क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प मिलती है। और बच्चों यदि हमको इसका जो है ये पता हुआ वेवलेंथ, तो हम करेस्पॉन्डिंग जो है इसका जो है निकाल लेंगे फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी से हमें तुरंत पता लग जाएगा कि हमारी जो है कौन सी जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की बात हो रही है, ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब बच्चों आते हैं, हम काम करते हैं इसमें से एक एक रेज को पकड़ेंगे, उसमें हमें कुछ चीज देखनी होती है, हम उसको देखेंगे, और बच्चों अब मैं इसको इरेज कर रहा हूं, ठीक है बच्चों। तो अब हम देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑल 7 टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ठीक है बच्चों। देखिए हमको कुछ चीजें देखनी पड़ेगी कि हमारी जो है वेव में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में हमें क्या क्या चीज जो है देखनी चाहिए, वो मैं आपको बताने जा रहा हूं, ठीक। तो देखिए क्या हुआ यहां पे, देखिए सबसे पहले हमारे पास क्या है, गामा है, फिर एक्सरे है, एक्सरे के बाद अल्ट्रावायलेट, फिर विजिबल है, फिर इंफ्रारेड है, फिर बच्चों माइक्रोवेव है, फिर रेडियो है, इस तरीके से हम यहाँ पे साफ साफ लिख देते हैं, जी फॉर
गामा, ठीक है, एक्सरेज, ठीक है, एक्सरेज, फिर बच्चों हो गया अल्ट्रा वायलेट रेज, ठीक है, अल्ट्रा वायलेट रेज इस तरीके से हो गया, और बच्चों फिर हो गया ये हमारा विजिबल रेज या रेंज, कुछ भी लिख लीजिए, ये होता है हमारा इंफ्रारेड, इंफ्रारेड रेज, फिर बच्चों हो गया हमारा माइक्रोवेव, ठीक है, और ये बच्चों हमारा होता है रेडियो वेव, ठीक है बच्चों। यहां पर देखिए हमारे पास जो है सात तरह की रेज है, इसको देखना होगा, हमको क्या देखना है, हमको क्या क्या चीज हर एक वेव की देखनी है वो देख लीजिए आप। सबसे पहले तो देखेंगे हम इसकी वेवलेंथ, नोट कर लीजिए वेवलेंथ, फिर बच्चों हम देखेंगे फ्रेक्वेंसी, ठीक है, फ्रेक्वेंसी, फ्रेक्वेंसी के बाद बच्चों हम देखेंगे इसको कि ये हमारा ओरिजिनेट कहां से होता है, ठीक है, ये कहां से हमें प्रोड्यूस मिलता है, फिर इसके बाद इसका डिस्कवरी किसने करी, ठीक है, डिस्कवर्ड बाई, ठीक, डिस्कवर्ड के बाद जो है इसकी प्रॉपर्टीज देखेंगे, ये नोट कर लीजिए, इसी पे आपके क्वेश्चन है प्रॉपर्टीज, और प्रॉपर्टीज के बाद बच्चों हम देखेंगे कि इसका यूजेस क्या क्या होते हैं, ठीक है बच्चों, इसके यूजेस हमारे क्या क्या होते हैं, इस चीज को आप नोट कर लीजिए, इसी सीक्वेंस में देखेंगे। तो बच्चों चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं रेडियो वेव को, तो यहां पे हेडिंग डालिए रेडियो वेव, रेडियो वेव की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है वो आप देखिए। ये बच्चों हमारी जो है पूरी कैरेक्टरिस्टिक्स है किसकी, रेडियो वेव की, हमें क्या है रेडियो वेव की, देखिए वेवलेंथ क्या होती है, वेवलेंथ की 600 मीटर टू 0.1 मीटर, इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होती है 500 किलो हर्ट्ज टू 1000 मेगाहर्ट्ज, ठीक है, ओरिजिनेट ये कहां से ओरिजिनेट होता है, एक्सीलरेटेड मोशन ऑफ चार्जेस इन सर्किट, सर्किट में जो हमारा जो है एक्सीलरेटेड मोशन होता है चार्जेस का उससे ओरिजिनेट होता है, और ऑसिलेटिंग सर्किट से ओरिजिनेट होता है। इसकी डिस्कवरी की थी मार्कोनी ने 1895 में, और बच्चों जो प्रॉपर्टीज होती है रिफ्लेक्शन डिफ्रेक्शन को हमारा शो करता है, ठीक है, और बच्चों यूज जो होता है इसका वो होता है इन रेडियो एंड टेलीविजन कम्युनिकेशन, और बच्चों रेडियो थेरेपी में इसका यूज करते हैं, और बच्चों हम रेडियो एस्ट्रोनॉमी में रेडियो वेव्स का यूज करते हैं। इसको आप जो है पूरी तरीके से नोट कर लीजिए, हर एक पॉइंट नोट कर लीजिए, इसी पे हमारे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है बच्चों, ये हमारा हो गया। अब बच्चों इसके बाद आता है हमारा माइक्रोवेव, तो हम यहां पर हेडिंग डालते हैं यहां पे इस तरीके से कि माइक्रोवेव की प्रॉपर्टी, तो यहां पे हेडिंग डालिए वो क्या होता है माइक्रोवेव्स, ठीक है, और देखिए बच्चों माइक्रोवेव की जो प्रॉपर्टी होती है वो होती है हमारी ये देखिए बच्चों हमारी माइक्रोवेव की जो है प्रॉपर्टीज हैं, और क्या किस तरीके से क्या क्या चीज हमको देखनी, देखिए सबसे पहले इसमें वेवलेंथ जो होती है वो होती है 0.3 मीटर टू 10^-3 मीटर, या हम कह सकते हैं 1 mm तक होती है, और बच्चों फ्रीक्वेंसी होती है इसकी 10^9 हर्ट्ज टू 10^12 हर्ट्ज तक, ठीक है, ये कहां से ओरिजिनेट होता है बच्चों, तो ये ओरिजिनेट होता है ऑसिलेटिंग करंट्स इन स्पेशल वैक्यूम ट्यूब, स्पेशल वैक्यूम ट्यूब में हम इसको बनाते हैं, और बच्चों कहां पे लाइक क्रिस्टॉन्स मैग्नेट्रॉन्स एंड द गंडर, यहां से इसको ओरिजिनेट किया जाता है। डिस्कवर्ड बाई, इसकी भी डिस्कवरी मार्कोनी ने 1895 में ही करी थी, और बच्चों इसकी जो प्रॉपर्टीज होती है ये लाइट की अधिकतर प्रॉपर्टीज को फॉलो करता है, जैसे रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन डिफ्रेक्शन पोलराइजेशन, और बच्चों ड्यू टू देयर शॉर्टर वेवलेंथ, किससे शॉर्टर, किससे रेडियो वेव से शॉर्टर है, तो बच्चों वेवलेंथ दे कैन ट्रेवल एज ए बीम इन ए सिग्नल, ठीक है बच्चों। अब देखिए यूज क्या होता है इसका, यूज होता है इन रडार सिस्टम फॉर एयरक्राफ्ट नेविगेशन, ठीक है, जो हमारा रडार होता है जिसे हम पकड़ते हैं कि हमारा मिसाइल या कोई एयरक्राफ्ट कहां जा रहा है, उसमें हमारा जो है माइक्रोवेव्स का यूज होता है, ठीक है बच्चों, और होता है इन लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन सिस्टम इन जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, जो हमारी सैटेलाइट जो है
छोड़ी जाती है स्पेस में, उससे जो हमारा कम्युनिकेशन होता है उसमें हमारा जो है माइक्रोवेव का यूज होता है बच्चों। और एक थोड़ा कॉमन यूज है जो आप लोगों से बहुत से बच्चों ने किया भी होगा, वो होगा माइक्रोवेव ओवन में। माइक्रोवेव यूज होता है इसलिए उसका नाम माइक्रोवेव ओवन हमारे पास लिखा हुआ है। इसकी एक एक पॉइंट नोट कर लीजिए बच्चों, किसी पर भी क्वेश्चन कहीं से पूछ लेते हैं। तो बच्चों हमारा ये कंप्लीट हुआ। अब बच्चों आते हैं हम इंफ्रा रेड रेज पे। तो बच्चों अब यहां पर जो है हेडिंग डालिए, यहां पर हेडिंग डालिए इंफ्रा रेड रेज। और बच्चों इंफ्रा रेड की जो टोटल करेक्टरिस्टिक्स होती है वो होती है हमारी ये देखिए बच्चों, हमारे इंफ्रा रेड जो है वेव्स की पूरी जो है करेक्टरिस्टिक्स यहां पे है, देखते हैं क्या क्या चीज है। ठीक है, सबसे पहले बच्चों देखते हैं वेवलेंथ। वेवलेंथ जो होती है हमारी इंफ्रा रेड वेव्स की वो होती है 1 mm to 10^-6 meter तक। ये हमारे पास इस रेंज में दिया है, हम इस तरीके से कह रहे हैं 10^-3 meter से 10^-9 meter तक होती है। ठीक है बच्चों, उसके बाद देखिए फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, फ्रीक्वेंसी 10^11 hertz से 10^14 hertz तक। ठीक है, सोर्स क्या होता है, इसका सोर्स होता है हॉट बॉडीज एंड मॉलिक्यूल्स। ठीक है, जैसे हमारी कोई भी बॉडी हॉट है, गर्म है, इसके अंदर हीट है, हीट एनर्जी कंटेन करती है, तो वहां से जो हमारी वेव्स निकलती है वो हमारी इंफ्रा रेड वेव्स होती है। डिस्कवर्ड इसको किसने किया था, डिस्कवर हुआ था विलियम हर्सले ने 1800 में इसको डिस्कवर किया था। प्रॉपर्टीज क्या होती है इसकी बच्चों, प्रॉपर्टीज होती है सबसे पहली बात है हॉट बॉडी से ओरिजिनेट होता है, तो इसके अंदर एक हीटिंग इफेक्ट होता है। ठीक है बच्चों, इसके अंदर एक हीटिंग इफेक्ट होता है। ठीक है, रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन डिफ्रेक्शन एंड प्रोपोगेशन थ्रू फॉग, ये बच्चों हमारी फॉग के अंदर चलती है। जो हम लोग गाड़ियों में लगाते हैं ना फॉग लाइट, उसमें से हमारी इंफ्रा रेड वेव्स निकलती है जो हमको दूर तक देखने में हेल्प करती है। ठीक है बच्चों, ये हमारा हो गया। अब बच्चों देखिए क्या था यूजेस ऑफ इंफ्रारेड वेव्स, तो यूज क्या है, देखिए क्या हुआ इसका सबसे बड़ा यूज जो हम डेली करते हैं इन रिमोट कंट्रोल ऑफ टीवी और एनी अदर इक्विपमेंट। वो सारे इक्विपमेंट जिसमें हम रिमोट कंट्रोल का यूज करते हैं, तो रिमोट कंट्रोल से जो वेव्स निकलती है वो इंफ्रारेड वेव्स निकलती है उसमें से, और वो हमारा उस इक्विपमेंट में से कनेक्ट हो जाता है और हम उसको ऑपरेट करते हैं, पहला यूज है। दूसरा क्या होता है, इन ग्रीन हाउसेस टू कीप ग्रीन हाउस वार्म, क्योंकि ये हीटिंग इफेक्ट रखता है, हॉट बॉडी से ओरिजिनेट होता है, तो बच्चों ये जो है ग्रीन हाउस को गर्म करने में, ग्रीन हाउस का होता है यहां पर बच्चों हम जो है कुछ टेक्निक यूज करके जो है अपनी खेती करते हैं ग्रीन हाउस के अंदर, वो हमारा ग्रीन हाउस होता है। अब क्या हुआ बच्चों, ये क्या हुआ इनहेंस फोटोग्राफी बिकॉज इंफ्रारेड वेव्स आर लेस स्कैटर्ड देन विजिबल लाइट मॉलिक्यूल्स। ठीक है, विजिबल लाइट बाय मॉलिक्यूल्स क्या होता है, हम फोटोग्राफी में इसका यूज करते हैं जहां पे फोटोज वगैरह प्रिपेयर की जाती है। अब तो वो टेक्नोलॉजी खत्म हो गई क्योंकि अब डिजिटल कैमरा आ गया, वहां पर इसका यूज होता था। क्यों होता था, क्योंकि विजिबल लाइट जो होती है, विजिबल लाइट कौन सी होती है, जो लाइट हम डेली देखते हैं वो विजिबल है, हमको दिख रही है, वो क्या होता है जब मॉलिक्यूल के ऊपर पड़ती है तो लाइट स्कैटर्ड हो जाती है, इधर उधर चली जाती है, लेकिन इंफ्रारेड वेव्स हमारी नहीं होती इसलिए वहां पे इसका यूज करते हैं। इंफ्रारेड वेव्स का अगला यूज है कि हम लैंप में, इंफ्रारेड लैंप में यूज करते हैं इन ट्रीटमेंट ऑफ मस्कुलर कंप्लेंट्स। ठीक है, कभी कभी हमारे मसल्स में कुछ इस तरीके की जो है पेन होती है या मोच आ जाती है जहां पर हमको हीटिंग की जरूरत पड़ती है, तो वहां पर बच्चों हम इंफ्रारेड लैंप का यूज करते हैं जिससे हम अपने मसल्स को जो है कुछ हीट दें जिससे वो सही हो जाए, क्योंकि इसके अंदर हीटिंग इफेक्ट होता है। दूसरी चीज होती है इन रीडिंग ऑफ सीक्रेट राइटिंग्स ऑन एंशियंट वॉल। अब जैसे बच्चे जो पुराने, जैसे आप लोगों ने पढ़ रखा है मोहनजोदड़ो एंड हड़प्पा वाली, उसमें कुछ वो दीवार पे वगैरह पे लिख गए थे, तो उसको जो पढ़ा जाता है उसमें भी यूज होता है इंफ्रारेड वेव्स का। और बच्चों इन नोइंग द मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर को बच्चों हम जो है अच्छी तरीके से समझने के लिए भी इंफ्रारेड वेव्स का यूज करते हैं। तो बच्चों पूरी कैरेक्टरिस्टिक्स है इंफ्रारेड वेव्स की। तो बच्चों हमारे तीन वेव्स कंप्लीट हो गए, रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड वेव। और अब बच्चों आते हैं हम विजिबल रेंज पे। तो बच्चों अब यहां पर जो है हेडिंग डालिए विजिबल रेज। ठीक है, विजिबल रेज इसके बारे में सबसे ज्यादा पढ़ा जाएगा अगले चैप्टर में, जो कि है हमारा रे ऑप्टिक्स। विजिबल रेज ये हो गया। और बच्चों देखिए विजिबल रेज की प्रॉपर्टीज जो होती है वो होती है ये बच्चों हमारा जो है विजिबल रेंज की सारी कैरेक्टरिस्टिक्स है। और सबसे पहले देखते हैं हमारा कि इसका जो वेवलेंथ कितना होता है।
बच्चों वेवलेंथ जो होता है इसका 400 नैनोमीटर टू 700 नैनोमीटर तक होता है, इसको आपको याद भी रखना है क्योंकि नेक्स्ट चैप्टर जो हमारा रे ऑप्टिक्स का है उसमें एक टॉपिक आएगा प्रिज्म का, उसमें ये विजिबल रेज की जो रेंज है वो बार बार यूज होगी और 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर तक होती है। 400 नैनोमीटर बच्चों होता है हमारा वायलेट का और 700 नैनोमीटर होता है हमारा जो है रेड का, और बच्चों बाकी चीज जो है बाकी जितने भी कलर्स हैं वो इनके बीच में आते हैं। यहाँ पे आप चाहें यहाँ पे इस तरीके से देख सकते हैं, ये वायलेट का हो गया, ये रेड का हो गया, बाकी कलर्स इनके बीच में आते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा हो गया विजिबल रेज का जो है वेवलेंथ। फ्रीक्वेंसी जो होती है इसकी वो 4 × 10^14 हर्ट्ज टू 7 × 10^14 हर्ट्ज के बीच में होती है। सोर्स का है, कहां से ओरिजिनेट होते हैं, तो ये रेडिएटेड एक्साइटेड एटम से होते हैं इन आयनाइज्ड गैस। आयनाइज्ड गैस में जब हमारा जो है एक्साइटेड एटम्स होते हैं तो वहां से ये हमारे ओरिजिनेट होते हैं एंड इन इनकैंडेसेंट बॉडीज, इनकैंडेसेंट बॉडीज से भी जो है विजिबल रेंज हमारी ओरिजिनेट होती है। ठीक है, अब देखिए प्रॉपर्टीज क्या होती है। प्रॉपर्टीज सारी वही लाइट की होती है, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटोग्राफिक एक्शन एंड सेंसेशन ऑफ साइट। सेंसेशन ऑफ साइट का मतलब है कि ये हमारी जो है ये वेव विजिबल रेंज की वेव जो है जब हमारी आईज पे पड़ती है, रेटिना तक जाती है, तो बच्चों हमारे रेटिना में सेंसेशन होता है जिससे हम चीजों को देख पाते हैं। कुल मिलाकर के विजिबल रेंज की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से हम जो है चीजों को देख पाते हैं। ठीक है बच्चों, और देखिए क्या होता है इसमें, यूज क्या है, यूजेस ऑफ विजिबल लाइट क्या है, यूज क्या होता है कि इट प्रोवाइड्स अस द इंफॉर्मेशन ऑफ वर्ल्ड अराउंड अस। क्या होता है कि हम जो है इन लाइट की वजह से चारों तरफ की दुनिया को देख पाते हैं, तो उसके बारे में समझ पाते हैं। दूसरी चीज होती है कि इट कैन कॉज केमिकल रिएक्शन। कोई केमिकल रिएक्शन ऐसा होता है कि उसके ऊपर हम सिर्फ जो है विजिबल रेज डालेंगे, केमिकल रिएक्शन अपने आप स्टार्ट हो जाएगा। अब है कि इसको डिस्कवर किसी ने नहीं किया, क्योंकि जिस दिन से दुनिया बनी है, ठीक है, तब से ये हमारे पास जो है अवेलेबल हो रही है सन के माध्यम से, ठीक है, फिर फायर के माध्यम से, आजकल जो है तरह तरह के बल्ब आ गए उसके जो है माध्यम से हमको ये मिल रही है। ठीक, तो बच्चों ये हमारी विजिबल रेज की जो प्रॉपर्टीज कैरेक्टरिस्टिक्स हुई। अब बच्चों जो है अगला आता है हमारा अल्ट्रा वायलेट रेज, तो हम जो है अब इसको पढ़ेंगे। तो बच्चों अब यहां पर जो है हेडिंग बनाइए अल्ट्रा वायलेट रेज की, इतना लिखिए अल्ट्रा वायलेट, ठीक है, रेज, अल्ट्रा वायलेट रेज, ठीक है। और देखिए बच्चों अल्ट्रा वायलेट रेज की जो टोटल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो देखिए वो है हमारे पास ये बच्चों, ये हमारी जो है अल्ट्रा वायलेट रेज की प्रॉपर्टीज है, कैरेक्टरिस्टिक्स है। चलिए इसको देखते हैं बच्चों। सबसे पहले देखिए वेवलेंथ क्या होती है अल्ट्रा वायलेट रेज की। अल्ट्रा वायलेट रेज की वेवलेंथ होती है हमारी 3.5 × 10^-7 मीटर टू 1.5 × 10^-7 मीटर तक होती है। इसकी फ्रीक्वेंसी होती है 10^16 हर्ट्ज टू 10^17 हर्ट्ज तक। सोर्स कहां से ये प्रोड्यूस होता है, तो बच्चों ये बहुत ही हाईली एनर्जेटिक जो है हमारा जो है रेज होता है, और बच्चों इसका सोर्स होता है हाई वोल्टेज गैस डिस्चार्ज ट्यूब। गैस डिस्चार्ज ट्यूब जिसमें हम हाई वोल्टेज जो है अप्लाई करते हैं वहां से अपने आप निकलता है, ठीक है। ऑक्स ऑफ आयरन एंड मर्करी। आर्क का मतलब क्या है बच्चों, जैसे वेल्डिंग होती है तो उसमें से आर्क प्रोड्यूस होता है, हाई वोल्टेज पे वो भी होता है, उसमें से आर्क प्रोड्यूस होता है, और बच्चों वहां से भी हमारा जो है अल्ट्रा वायलेट रेज निकलती है। वेल्डिंग अगर हो रही होगी तो उसको आप नॉर्मल आइस से देखेंगे तो आपकी आइस खराब हो जाएंगी, क्योंकि वहां से अल्ट्रा वायलेट रेज निकल करके आपकी आंखों पे पड़ती है, ठीक है। और बच्चों सन जो है वो हमारा सबसे बड़ा सोर्स है अल्ट्रा वायलेट रेज का, ठीक है। इतनी जगह से हमको अल्ट्रा वायलेट रेज मिलती है। इसको डिस्कवर किया था रिटर ने 1800 में। और बच्चों प्रॉपर्टीज जो होती है, ये फोटोग्राफिक प्लेट को अफेक्ट करता है, फ्लोरसेंस प्रोड्यूस करता है, आयनाइजेशन गैस में कर देता है, हाईली एनर्जेटिक होता है। चूंकि ये हाई टेम्परेचर से प्रोड्यूस होता है इसलिए बच्चों इसके अंदर जो एनर्जी होती है बहुत हाई होती है, और इस हाई एनर्जी की वजह से बच्चों ये टैनिंग ऑन ह्यूमन स्किन के ऊपर यदि पड़ जाएगा तो बच्चों ये उसको खराब करेगा, टैनिंग कर देगा, कैंसर तक हो सकता है, स्किन कैंसर भी हो जाता है अगर अल्ट्रावायलेट रेज हमारे स्किन के ऊपर पड़े, ठीक है बच्चों। अब देखिए क्या होता है, यूज क्या होता है इसका,
ये फूड प्रिजर्वेशन में काम आता है। फूड प्रिजर्वेशन में किस तरह काम आता है बच्चों, छोटो मोटे बैक्टीरिया को ही किल कर देता है तो हमारा फूड खराब नहीं होने पाता। जैसे डालेंगे बैक्टीरिया किल हो जाएगा, तो उसमें क्या होता है खराब नहीं हो पाता है, तो फूड प्रिजर्वेशन में इसको यूज करते हैं। इन स्टडी ऑफ इनविजिबल राइटिंग फोर्स डॉक्यूमेंट्स एंड फिंगरप्रिंट्स, इसमें जो है हमारा यूज होता है, जो सिक्योरिटी होती है वो हमारा जो है इनविजिबल राइटिंग्स को पढ़ती है, फोर डॉक्यूमेंट्स और फिंगरप्रिंट्स को जो है पढ़ा जाता है अल्ट्रावायलेट रेज को यूज करके। और बच्चों इन हिस्ट्री ऑफ द मस्कुलर स्ट्रक्चर मॉलिकुलर स्ट्रक्चर, ठीक है, मॉलिकुलर स्ट्रक्चर्स को जो हमें स्टडी करना होता है उसमें भी अल्ट्रावायलेट रेज का यूज किया जाता है। तो बच्चों टोटल कैरेक्टरिस्टिक्स है हमारी अल्ट्रावायलेट रेज की, ये भी हमारा कंप्लीट हुआ, इसको आप नोट कर लीजिए। अब बच्चों चलते हैं एक्स रेज पे, तो अब बच्चों यहां पर हेडिंग डालिए एक्स रेज और अब उसकी कैरेक्टरिस्टिक देते हैं, तो आ गया हमारा एक्स रेज। ठीक है बच्चों, तो देखिए क्या होता है, एक्स रेज की कैरेक्टरिस्टिक्स है हमारी ये बच्चों, ये रही हमारी एक्स रेज की सारी कैरेक्टरिस्टिक्स, तो एक एक कैरेक्टरिस्टिक्स हम देखते हैं। सबसे पहले देखिए इसका जो वेवलेंथ होता है, वेवलेंथ होता है 0.1 एंगस्ट्रॉम टू 100 एंगस्ट्रॉम तक होता है इसका वेवलेंथ है। फ्रीक्वेंसी बच्चों देखिए क्या हुई, फ्रीक्वेंसी हमारी 10 टू द पावर 18 हर्ट्ज टू 10 टू द पावर 20 हर्ट्ज तक रहती है। सोर्स क्या होता है बच्चों, सोर्स होता है सडन डिस एक्सिलरेशन ऑफ फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स बाई मेटल टारगेट। बच्चों एक्सरेज का जो डिस्कवरी हुई थी ये एक एक्सीडेंट से हुई थी, एक्सीडेंट का मतलब है कि इसको खोजा नहीं जा रहा था, ये अपने आप जो है एक एक्सपेरिमेंट जो कि रोंगटन साहब कर रहे थे उसमें से निकली, तो उन्होंने फिर इसकी स्टडी की तो देखा कि ये जो है रेज है। इस रेज का कोई नाम नहीं था, जैसा हम लोग एलजेब्रा में क्या करते हैं, कोई चीज हमको फाइंड आउट करनी होती है तो उसमें लेते हैं सपोज करते हैं कि दिस इज द एक्स, ठीक है, तो ऐसे ही जब रेज मिली और इसका कोई नाम नहीं था तो इन्होंने इसका नाम लिख दिया कि एक्स, ये रेज है और एक्स इसको सपोज किया, इस वजह से इसका नाम एक्सरे पड़ा था। बात नंबर एक, ठीक है, हुआ क्या था कि ये फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन पे डिस्कवरी कर रहे थे तो वो जाकर के एक मेटल टारगेट से टकराई तो वहां से एक्सरेज निकली, तो क्या होता है कि काफी फास्ट हाईली जो है हाईली वेलोसिटी वाली जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो मेटल टारगेट से जब टकराते हैं तो बच्चों वहां से एक्सरे हमारा निकलता है, ठीक है, वो तो क्या होता है सडन डी एक्सीलरेशन, जैसे टकराए तुरंत वो एकदम से रुक जाते हैं, तो बच्चों सडन डी एक्सीलरेशन ऑफ फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स बाई मेटल टारगेट, मेटल टारगेट से जब ये टकराते हैं तो वहां से एक्सरे निकलती है। इसकी पूरी कहानी है, एक्सरे का पूरा एक चैप्टर था पहले, वो अब आपके सिलेबस से हट गया, उसमें बताया गया था कि किस तरीके से एक्सरे हमारी प्रोड्यूस होती है। खैर इसको छोड़िए, अब देखिए ये हमारा एक्सरे प्रोड्यूस हो गई, इसको जो है डिस्कवर किया था रोंगटन साहब ने 1985 में। प्रॉपर्टीज क्या होती है, इफेक्ट ऑन फोटोग्राफिक रे, आयनेशन ऑफ गैसेस, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट करता है, फ्लोरोसेंस प्रोड्यूस करता है, ठीक है, और इट इज मोर एनर्जेटिक देन अल्ट्रा वायलेट रेज, इतनी इसकी प्रॉपर्टीज होती है। इसका यूज बहुत वाइड है, ठीक है, मेडिकल में इसका यूज होता है सबसे ज्यादा, और भी जगह यूज होता है। देखिए यूजेस ऑफ एक्सरे क्या है, सबसे पहले इन मेडिकल डायग्नोसिस, बिकॉज एक्सरे कैन पास थ्रू फ्लेश बट नॉट ह्यूमन बोन्स। क्या होता है एक्सरे जब हमारी बॉडी पे पड़ता है तो हमारे फ्लेश से तो पास हो जाता है लेकिन ह्यूमन बोन को वो पास नहीं कर पाता, इस वजह से बच्चों फ्रैक्चर्ड या किसी भी तरीके का जो हमारा जो एक्सीडेंट वगैरह जब होता है तो उसके बाद एक्सरे किया जाता है तो अंदर की पोजीशन पता लग जाती है बोन्स की। आप लोगों ने सबने इसको एक्सपीरियंस किया होगा, ठीक है। इन स्टडी ऑफ क्रिस्टल स्ट्रक्चर रिकॉर्ड एक्सरे कैन रिफ्लेक्टेड बाई एंड रिफ्लेक्टेड बाई क्रिस्टल, जो हमारा क्रिस्टल का स्ट्रक्चर होता है उसकी स्टडी करने में भी एक्सरेज का यूज किया जाता है, क्योंकि ये हमारा रिफ्रैक्ट क्या कहता है रिफ्लेक्ट और डिफ्रैक्ट दोनों होता है क्रिस्टल के द्वारा, इसलिए हम इसकी स्टडी कर लेते हैं। इंजीनियरिंग में यूज करते हैं, इन इंजीनियरिंग फॉर डिफेक्टिव फॉल्ट्स क्रैक्स ज्वाइंट्स एंड होल्स इन फिनिश मेटल प्रोडक्ट्स। होता क्या बच्चों कि मेटल को हम लोग ज्वाइंट करते हैं या डिजाइन करते हैं तो वेल्डिंग करते हैं, वेल्डिंग में हमारा गैप नहीं होना चाहिए, वेल्डिंग बहुत परफेक्ट होनी चाहिए, अगर किसी भी तरीके का गैप है तो हाई प्रेशर पे इसको यूज करने से वहां ब्लास्ट हो सकता है, इसलिए हर एक मेटल ज्वाइंट को बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज में बहुत ही केयरफुली देखा जाता है, उसको डिटेक्ट किया जाता है और उसका डिटेक्शन होता है हमारा एक्सरेज की हेल्प से, ठीक है, अगर जरा सा भी इसमें फॉल्ट है तो रिजेक्ट होकर उसको दोबारा किया जाएगा, अगर ऐसा नहीं करेंगे तो बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो सकता है।
ठीक है बच्चों, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। इन डिटेक्टिव डिपार्टमेंट, डिटेक्टिव डिपार्टमेंट में टू डिटेक्ट द एक्सप्लोसिव डायमंड्स गोल्ड एक्सेट्रा, ठीक है। आप लोगों में से जो भी लोग मेट्रोस पे सफर करते होंगे या एयर एरोप्लेन में सफर किया होगा तो आप जानते होंगे कि जब आप जाते होंगे अपना सामान लेकर के तो वो बच्चों एक स्कैनर से गुजरता है, वहां पे भी एक्सरे होता है। वो क्या करता है कि आपके बैग में जो कुछ भी सामान है उसकी एक पिक्चर वहां पे आ जाती है, उसमें से कोई भी ऑब्जेक्शनेबल आइटम है तो वो पता पकड़ लेंगे और उससे जो है हमारी सेफ्टी बनी रहती है। तो सिक्योरिटी एंड डिटेक्टिव डिपार्टमेंट वाले भी एक्सरे का यूज करते हैं। और बच्चों रेडियो थेरेपी टू क्योर द इंट्रेसिबल स्किन डिजीजेस, ठीक है। कुछ डिजीजेस ऐसी होती हैं जिसका एग्जैक्टली कॉज नहीं पता लग पाता है, यहां पे लिखा हो अनट्रेसिबल स्किन डिजीजेस, ठीक है। उसको जो है एक्सरे से सही किया जाता है, उसको जो है वहां पे क्योर करते हैं। और मैलिग्नेंट ग्रोथ, कभी कभी होता है कि हमारी बॉडी में कोई कोई सेल्स बढ़ने लगता है तो उसको भी कंट्रोल करने के लिए एक्सरे का कॉन्टिन्यूअसली यूज किया जाता है। एक्सरसाइज का बहुत ही वाइड रेंज यूज है और सबसे ज्यादा यूज होता है इसका वो होता है मेडिकल फील्ड में, मेडिकल में हमारा सबसे ज्यादा यूज होता है। अब बच्चों करते करते हम आगे आखिरी पॉइंट पे, इसको सबको नोट कर लीजिए, सब काम आएगा। अब बच्चों आखिरी पॉइंट पे आ गए, अब हमारा आखिरी है गामा रेज। तो बच्चों यहां पर अब आप हेडिंग बनाइए गामा रेज, देखिए यहां पे गामा, ठीक है, गामा रेज, ठीक है, ये लास्ट वाला पॉइंट यहां पे हो रहा है। और बच्चों देखिए गामा रेज की प्रॉपर्टीज है हमारी ये, बच्चों ये हमारी जो है टोटल कैरेक्टरिस्टिक्स है गामा रेज की। और कैरेक्टरिस्टिक्स बताने से पहले मैं आपसे एक बात कहता हूं कि गामा रेज को हम एक सिंबल से डिनोट करते हैं और गामा का ये होता है, इसको इस तरीके से लिख सकते हैं गामा रेज, ठीक है, इस तरीके से लिख सकते हैं। तो देखिए बच्चों सबसे पहले वेवलेंथ जो होती है उसकी 10^-14 मीटर टू 10^-10 मीटर की रेंज में होती है। फ्रीक्वेंसी जो होती है उसकी 10^18 हर्ट्ज से लेकर के 10^22 हर्ट्ज तक होती है। सोर्स जो होता है उसका वो रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई होता है एंड न्यूक्लियर रिएक्शन होता है, या तो ये रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई से निकलती है या कोई न्यूक्लियर रिएक्शन होता है तो वहां से प्रोड्यूस होती है। कैसे प्रोड्यूस होती है ये हम जो है रेडियो एक्टिविटी वाले चैप्टर में देखेंगे। उसके बाद बच्चों डिस्कवर्ड, इसको डिस्कवर्ड वाइज इसकी डिस्कवरी की थी हेनरी बेकलर ने इन 1896 में। और बच्चों प्रॉपर्टीज जो होती है ये इफेक्ट डालती है फोटोग्राफिक प्लेट पे, फ्लोरोसेंस आयनाइजेशन देती है और बच्चों डिफ्रैक्शन होती है और हाईली पेनिट्रेटिंग पावर होती है, बहुत ही ज्यादा पेनिट्रेटिंग पावर होती है। ये 30 सेंटीमीटर थिक आयरन की शीट को पार कर जाती है, इसकी सबसे बड़ी खासियत है पेनिट्रेटिंग पावर इसमें बहुत ज्यादा होती है। और एक बात बच्चों देख लीजिए, जिसकी वेवलेंथ जितनी छोटी होती है उसकी पेनिट्रेटिंग पावर उतनी ज्यादा होती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में ये चीज आप बिल्कुल नोट कर लीजिए, छोटी वेवलेंथ पेनिट्रेटिंग पावर ज्यादा। क्या होता है कि यहां पर देखिए वेवलेंथ हमारी सबसे छोटी है जितनी पड़ी तो पेनिट्रेटिंग पावर इसकी ज्यादा हो गई। अब देखिए इसका जो है यूज है, यूजेस ऑफ गामा रेज क्या है, इन रेडियोथेरेपी फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ मैलिग्नेंट ट्यूमर्स, ठीक है, शरीर में कुछ ट्यूमर्स हो जाते हैं, ठीक है, और उसका ट्रीटमेंट करना होता है तो रेडियोथेरेपी में गामा रेज को, सॉफ्ट गामा रेज को मारते हैं। तो चूंकि इसकी पेनिट्रेटिंग पावर हाई होती है तो धीरे 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 उसको वो जो है काट के गला देता है और मरीज सही हो सकता है, ठीक है। दूसरे क्या, इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पॉलीएथिलीन फ्रॉम एथिलीन, एथिलीन से पॉलीएथिलीन बनाने के लिए गामा रेज का यूज किया जाता है। पॉलीथीन जिसको हम कहते हैं वो बच्चों एक्चुअली में पॉलीएथिलीन होता है, ये पॉलीमर रिएक्शन है, एथिलीन से हमारा जो है पॉलीएथिलीन बनता है। और उसके बाद टू इनिशिएट सम न्यूक्लियर रिएक्शन, कुछ न्यूक्लियर रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए भी गामा रेज का यूज होता है। टू प्रिजर्व द फूड स्टफ फॉर द लॉन्ग टाइम बिकॉज द सॉफ्ट गामा रेज कैन किल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, क्या होता है जैसे कि हमको किसी फूड स्टफ को काफी लंबे समय के लिए जो है प्रिजर्व करना है तो हम क्या करते हैं सॉफ्ट गामा रेज उस पर जो है डालते हैं तो क्या होता है उसके अंदर जो छोटे मोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो किल हो जाते हैं अपने आप ही और जो है वहां पर जो है वो जो है सेफ हो जाता है, फूड हमारा लंबे समय तक सही रहता है। और लास्ट में है बच्चों टू स्टडी द स्ट्रक्चर ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियाई,
एटॉमिक न्यूक्लियाई का जो हम स्ट्रक्चर पढ़ते हैं तो उसको स्ट्रक्चर को भी स्टडी करने के लिए गामा रेज का यूज किया जाता है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा ये जो भी चीज मैंने बताई है इसको हल्के में मत लीजिएगा, क्योंकि इसी के ऊपर बच्चों हमारे न्यूमेरिकल्स या कहिए कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं, और ये यदि आपको पता है तो बहुत ही आसानी से आप इसको सॉल्व कर लोगे, वरना आपको ये लगेगा कि ये क्वेश्चन आया कहां से। ठीक है, तो चलिए बच्चों इसी के ऊपर मैं इसी कंसेप्ट पे जो अब तक मैंने आपको डिटेल में दिया है इसी के ऊपर बच्चों अब हम आपको एक क्वेश्चन करवाते हैं, तो देखते हैं कि हमारा जो है न्यूमेरिकल क्या है। बच्चों ये देखिए ये हमारा एक क्वेश्चन है, और जो क्वेश्चन हमारा बेस है किसके ऊपर बेस है, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पे और उनके वेवलेंथ पे और उसकी यूज के ऊपर। ठीक है, इसी तरीके के सैकड़ों क्वेश्चन आपको डिफरेंट एग्जाम में मिल जाएंगे, और डिफरेंट जो है आपके पास जो भी बुक है, असाइनमेंट है, नोट्स है, पीडीएफ है, उसमें आपको ये आराम से मिल जाएंगे। कंसेप्ट सबका एक है, देखिए कैसे होता है ये और क्वेश्चन कैसा। सबसे पहले ये देखिए क्वेश्चन ये है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स विद द वेवलेंथ लैम्डा 1, लैम्डा 2, लैम्डा 3 एंड लैम्डा 4 सच दैट। ठीक है, हमारे पास चार इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं जिनकी वेवलेंथ हमारी ये है, और इसका यूज कैसा होता है। लैम्डा 1 यूज फॉर मस्कुलर स्ट्रेन, लैम्डा 2 यूज फॉर एफएम रेडियो स्टेशन, लैम्डा 3 यूज फॉर फ्रैक्चर्स ऑफ बोन्स, लैम्डा 4 एब्सॉर्ब बाय ओजोन लेयर्स। ये इन्होंने लिख दिया, नेम दीज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ठीक है, करेस्पॉन्डिंग टू लैम्डा 1, लैम्डा 2, लैम्डा 3 एंड लैम्डा 4। ठीक है, एंड अरेंज दीज वेवलेंथ्स इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर मैग्नीट्यूड। हमको क्या दे दिया, लैम्डा 1, लैम्डा 2, लैम्डा 3, लैम्डा 4 दे दिया, उसका यूज हम कैसे कर रहे हैं वो हमको दे दिया। अब हमको ये बताना है कि इनका नाम क्या है जो ये वेव्स है, और जो है इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ के हिसाब से इसको अरेंज करना है। तो देखिए क्वेश्चन होएगा कैसे, सबसे पहले बच्चों वही काम करिए कि लिखिए X U V I M R, यहां पे लिख लीजिए, और सबसे ऊपर हमारा गॉड है, I M reside in X U V, और गॉड को सबसे ऊपर रख दो, ये आपका पूरा बन गया वो। अब बच्चों यहां पे देखिए क्या हुआ, ये क्या है हमारा लैम्डा 1 यूज फॉर मस्कुलर स्ट्रेन, अभी जो प्रॉपर्टीज बताई है उसमें क्या होता है कि ये इंफ्रारेड रेज होती है आई वाली, ठीक है, इंफ्रारेड, ठीक है, ये हमारी हो गई लैम्डा 1, इसको यूज हम करते हैं मस्कुलर स्ट्रेन में, इसमें हीटिंग इफेक्ट होता है इसलिए इसको यूज करते हैं, तो ये लैम्डा 1 हो गई। दूसरा है लैम्डा 2 यूज फॉर एफएम रेडियो स्टेशन, और रेडियो सबसे पहले आया था तो ये हमारा लैम्डा 2 हो गया। ठीक है, उसके बाद आया यूज फॉर फ्रैक्चर बोन, फ्रैक्चर बोन में एक्सरे यूज होता है बच्चों, तो ये देखिए ये वाला एक्सरे है हमारा, ठीक है, ये एक्सरेज है, तो ये हो गया बच्चों लैम्डा 3। ठीक है, फिर आया है लैम्डा 4 एब्सॉर्ब बाय ओजोन लेयर, ओजोन लेयर हमारा अल्ट्रावायलेट रेज को जो है वो करता है, ये हो गया अल्ट्रावायलेट रेज। ठीक है, ये हो गया लैम्डा 4, ये हमारा सबके नाम हो गए। ये देखिए ये हो गया रेडियो वेव्स, ठीक है, ये माइक्रोवेव है, ये विजिबल रेंज है, ये गामा रेंज है, उसका नाम मैंने नहीं लिखा। तो लैम्डा 1 तुम्हारा हो गया इंफ्रारेड रेज, लैम्डा 2 हो गया रेडियो वेव्स, लैम्डा 3 हो गया एक्सरे, लैम्डा 4 हो गया अल्ट्रावायलेट रेज, हमारा पता लग गया, हमको ये याद रहना चाहिए, इसकी प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए। अब बच्चों ये पहला पार्ट है, नेम दीज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स करेस्पॉन्डिंग टू लैम्डा 1, लैम्डा 2, लैम्डा 3 एंड लैम्डा 4, ये हमारा कंप्लीट हो गया। सेकंड पार्ट, एंड अरेंज दीज वेवलेंथ्स इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर मैग्नीट्यूड। ठीक है, क्या है डिक्रीजिंग ऑर्डर, डिक्रीज क्या है, सबसे ज्यादा बच्चे इसका होता है वेवलेंथ, फिर जो है ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में ऐसे चलता जाता है, तो कुल मिलाकर के बच्चों यहां जो आएगा लैम्डा 2 इज ग्रेटर देन लैम्डा 1 इज ग्रेटर देन लैम्डा 4 इज ग्रेटर देन लैम्डा 3, और बच्चों ये इसका आंसर है, ये इसके नेम होंगे लैम्डा 1, लैम्डा 2, 3 के, और ये इसका डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ हो गया बच्चों हमारा वेवलेंथ के हिसाब से। इस तरीके के बहुत से सवाल बहुत से एग्जामिनेशन में आ चुके हैं, आप करिएगा, इसको करने का सिर्फ एक ही तरीका है जो मैंने बताया है पूरा, आप याद होना चाहिए, याद नहीं होगा कहीं भी कंफ्यूजन होगा तो आप नहीं कर पाओगे, छूट जाएगा और आपकी जो रैंक है वो थोड़ी सी कम हो जाएगी, इसलिए छोड़िए कुछ मत, सब कुछ आप पढ़िए। ठीक है बच्चों, अब बच्चों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का आपके सिलेबस के हिसाब से
जो बचा हुआ है लास्ट टॉपिक वो है बच्चों हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो बच्चों देखते हैं कि हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या है। बच्चों ये देखिए हमारी प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, ये सब आप पढ़ चुके हो, एक बार आपको रिवाइज करवा देता हूं, आपको याद रहेगा। प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ठीक है, द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर प्रोड्यूस्ड बाय एक्सीलरेटेड चार्जेस एंड डू नॉट रिक्वायर एनी मटेरियल मीडियम फॉर देयर प्रोपोगेशन। ठीक है, एक्सीलरेटेड चार्ज के थ्रू ही हमारा जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस होता है और ये आगे बढ़ने के लिए, प्रोपोगेट होने के लिए किसी मटेरियल मीडियम की जरूरत इसको नहीं होती, ये अपने आप ही बढ़ता है, एनर्जी का ट्रांसपोर्टेशन होता है। बात नंबर एक। बात नंबर दो, द डायरेक्शन ऑफ ऑसिलेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर एज वेल एज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव, सो द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर ट्रांसवर्स इन नेचर। ठीक है, जैसे बच्चों की आपको पहले भी मैं बता चुका हूं, यदि इलेक्ट्रिकल फील्ड का जो है वाइब्रेशन इधर हो रहा है और मैग्नेटिक फील्ड का वाइब्रेशन इधर हो रहा है तो हमारी वेव ऐसे जाएगी, तीनों चीज जो है हमारी एक दूसरे के परपेंडिकुलर इस तरीके से होती है। ठीक है, इस तरीके से परपेंडिकुलर होती है और जब परपेंडिकुलर होती है तो इसी को हम बोलते हैं ट्रांसवर्स इन नेचर। ठीक है, ये हमारा ट्रांसवर्स मतलब क्या है, वाइब्रेशन का प्लेन और प्रोपोगेशन का प्लेन जब एक दूसरे के परपेंडिकुलर होता है तो उसको बोलते हैं ट्रांसवर्स इन नेचर। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर ट्रांसवर्स इन नेचर, द डायरेक्शन ऑफ ऑसिलेशंस ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर एज वेल एज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव, सो द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर ट्रांसवर्स इन नेचर। ठीक है, इसके बाद जो बच्चों अगला पॉइंट है, द ऑसिलेशंस ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड आर इन सेम फेज। इलेक्ट्रिकल फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के वाइब्रेशन में जो है हमारा जो है फेज डिफरेंस नहीं होता, वो सेम फेज में ऑसिलेट करते हैं। और बच्चों इसके बाद जो है अगला पॉइंट है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पॉइंट को देखिए, आर द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ट्रेवल इन वैक्यूम और फ्री स्पेस विद द स्पीड ऑफ लाइट। अब यहीं पर मैं रुकता हूं, देखिए क्या हुआ, स्पीड ऑफ लाइट को हम सी से डिनोट करते हैं और वैक्यूम और फ्री स्पेस में दो चीज आता है, एक होता है परमिटिविटी और दूसरा होता है परमिबिलिटी। इसके बीच में जो रिलेशनशिप होता है वो बच्चों कुछ इस तरीके से होता है, ये बात आप जानते हो, इसके बारे में मैं आपको डिटेल में पिछले वीडियोस में बता चुका हूं। ठीक है, अब बच्चों फ्री स्पेस और वैक्यूम में तो स्पीड ये होती है स्पीड ऑफ लाइट, यहां पे सी जो है वो है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड और ये होता है हमारा स्पीड ऑफ लाइट। लेकिन बच्चों अगर हमारा जो है मीडियम आ जाता है तब हमारी स्पीड क्या होगी, कैसे निकलेगी, उसको देख लीजिए। यहां पर तब हमारी स्पीड निकलती है वी इज इक्वल टू 1/ε m और म्यू m। ठीक है, जहां पर बच्चों हमारा एप्साइलन m होता है एप्साइलन r एप्साइलन नॉट, म्यू m होता है म्यू r म्यू नॉट। ठीक है, इसको बच्चों हम यहां पे पुट करेंगे तो हमारा v आ जाएगा सिंपल सा, वो आ जाएगा 1/, इसकी जगह हम ये रख देते हैं, ये आ गया एप्सिलॉन r एप्सिलॉन नॉट म्यू r म्यू नॉट अंडर रूट, और बच्चों ये आ गया 1/ r एप्सिलॉन नॉट म्यू नॉट, ये इस तरीके से आ गया, ये इस तरीके से आ गया। ठीक है बच्चों, और फिर इसके बाद जो है ये देखिए, ये वाला हिस्सा अगर हम अलग करेंगे, इस तरीके से लिखा हुआ, इसको हम क्या करते हैं, हम इसको इस तरीके से कर देते हैं, एप्सिलॉन नॉट म्यू नॉट 1/ हो गया, ये है सी, तो बच्चों हम यहां पे इसको लिखेंगे तो हमारा आ जाएगा वी इक्वल टू सी अपॉन एप्सिलॉन आर म्यू आर। ठीक है, यहां पे आ गया, कुल मिलाकर के ये जो हमारा डिडक्शन है, जो हमारा कंडीशन है, वो हमको ये शो करता है कि अगर वैक्यूम या फ्री स्पेस में हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव चाहे वो किसी भी नेचर का हो जा रहा होगा तो बच्चों उसकी स्पीड लाइट की स्पीड की होगी, और जैसे ही कोई मीडियम आएगा तो बच्चों हमारी स्पीड चेंज हो जाएगी और वो हमारी कम हो जाती है। ठीक है बच्चों, तो ये हमारी प्रॉपर्टीज है, अभी प्रॉपर्टीज और है तो देखते हैं कि आगे वाली प्रॉपर्टी हमारी क्या है। बच्चों पांचवी प्रॉपर्टी है हमारी, द एम्पलीट्यूड रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट।
हम लोगों ने इलेक्ट्रिकल फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की इक्वेशंस लिखी थी, उसमें एम्पलीट्यूड आया था इलेक्ट्रिकल फील्ड का और मैग्नेटिक फील्ड का, उनका रेशियो जो होता है वो हमारा स्पीड ऑफ लाइट के बराबर होता है। इसका बहुत यूज है न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने में। बच्चों छठी प्रॉपर्टी है द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कैरी एनर्जी एज दे ट्रेवल थ्रू स्पेस एंड दिस एनर्जी इज शेयर्ड इक्वली बाय इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, द एवरेज एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इज दिस। अगर इलेक्ट्रिकल फील्ड के टर्म में लिखेंगे तो ये आएगा और मैग्नेटिक फील्ड के टर्म में लिखेंगे तो ये आएगा। इसका एक सेपरेट वीडियो है, इसको आराम से देख लीजिएगा। मैंने आपको बताया था चूंकि इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की एनर्जी हमारी थ्री डायमेंशनली स्पेस में जो है डिस्ट्रीब्यूटेड होती है, इसलिए यहां पर एनर्जी टर्म का यूज ना करके एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम यानी कि एनर्जी डेंसिटी का यूज करते हैं, और इसीलिए यहाँ पे आता है टर्म एवरेज एनर्जी डेंसिटी। जो होती है एवरेज एनर्जी डेंसिटी 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर, या होता है 1/2 बी नॉट स्क्वायर बटे म्यू नॉट। इसकी पूरी डिटेल आपको मिल जाएगी वीडियो नंबर 3 में। अब बच्चों सातवीं प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ट्रांसपोर्ट लीनियर मोमेंटम एज दे ट्रेवल थ्रू स्पेस। क्या होता है कि जब ये स्पेस में चलते हैं तो अपने साथ लीनियर मोमेंटम लेके चलते हैं। ठीक है, कैसे चलते हैं ये मैं वीडियो में बता चुका हूं, ये प्रॉपर्टी होती है, इसको जो है आप नोट कर लीजिए। जहां पे लीनियर मोमेंटम होता है टोटल एनर्जी डिवाइडेड बाई स्पीड ऑफ लाइट यू बाई सी। ठीक है, आठवीं प्रॉपर्टी होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ओबे द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। दिस शोज द प्रॉपर्टीज ऑफ रिफ्लेक्शन रिफ्रेक्शन एंड डिफ्रेक्शन एंड पोलराइजेशन। लाइट की सारी प्रॉपर्टीज प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, ठीक है, रिफ्लेक्शन रिफ्रेक्शन डिफ्रेक्शन एंड पोलराइजेशन जो है वो हमारा जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स शो करता है। ठीक है, नवी प्रॉपर्टी होती है द इलेक्ट्रिकल फील्ड ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स ऑप्टिकल इफेक्ट बिकॉज ई इज वेरी वेरी ग्रेटर देन बी नॉट। जितना भी इलेक्ट्रिकल इफेक्ट होता है, इलेक्ट्रिकल इफेक्ट का मतलब को है रिफ्लेक्शन रिफ्रेक्शन डिफ्रेक्शन पोलराइजेशन, ये जितना भी होता है ये इसलिए होता है क्योंकि इसका जो इलेक्ट्रिकल फील्ड का मैग्नीट्यूड होता है वो बच्चों मैग्नेटिक फील्ड से बहुत ज्यादा होता है। ई नॉट इज वेरी वेरी ग्रेटर देन बी नॉट, इस वजह से ये ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज को यूज शो करता है। ठीक है बच्चों, तो ये मेरा जो है आज का वीडियो था जो कि मेरा बेस था पूरी तरीके से स्पेक्ट्रम ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एंड प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पर। बच्चों इस वीडियो को या इस टॉपिक को हल्के में मत लीजिएगा क्योंकि जब क्वेश्चन आ जाते हैं और नहीं होते हैं तो हमको लगता है कि पेपर बहुत कठिन आया था। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि मेरी बात आप मानोगे और मेरे को फॉलो करोगे, ठीक है, और अच्छे नंबर लेके आओगे। बच्चों ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और इसी वीडियो के साथ बच्चों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का आपके सिलेबस के हिसाब से हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। अब बच्चों हम मिलेंगे अगले चैप्टर में रे ऑप्टिक्स के कंसेप्ट के साथ। बच्चों वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।